पीटीआई इस वक्त खतरे में है, पाकिस्तान कंफ्यूज हो चुका है, दोनों तरफ से दोनों पार्टियां इस वक्त फंस चुकी है, कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आमतौर पर व्लॉग्स बनाए जाते हैं ट्रैवल के ऊपर, आपकी सोशल लाइफ के ऊपर, फूड के ऊपर, इसके अलावा आपके एंटरटेनमेंट और डिफरेंट किस्म के इवेंट्स के ऊपर। मेरा व्लॉग होगा पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के हवाले से। अब आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा अब क्या ड्रामा करने लगा है, इससे पहले इतने लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है, इसको सब्सक्राइब करने की, इसको देखने की क्या ज़रूरत है, दफ़ा मारो इसको। नहीं, इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, आप लोग देखते हैं खबरें, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। किसी और चैनल पर आप जाएंगे तो दोनों के हक में बात कर रहा होगा, चौथे चैनल पर आप जाएंगे तो वो दोनों के ही खिलाफ होगा। एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है। ऑलरेडी पाकिस्तान के लोग मईशत की वजह से दो चार है, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, हालात ख़राब है, ऊपर से कोरोना का मामला अलग आ चुका है, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते कौन ठीक है कौन गलत है। मैं अपने वीलॉग के ज़रिए आप लोगों के सामने 3 से 4 मिनट में सारी प्रॉब्लम, सारी करंट सिचुएशन की जो सूरत हाल है, इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करके आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूँगा। और मेरा आज का वीलॉग भी इसी हवाले से है, जिसका मेन पॉइंट एजेंडा होगा जहांगीर तरीन ने जो रिस्पॉन्स दिया है चीनी की रिपोर्ट के ऊपर, चीनी की जो चोरी हुई है इसके ऊपर। जहांगीर तरीन ने कल एक टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। तो शुरू करते हैं जहांगीर तरीन साहब से। जहांगीर तरीन ने कल के इंटरव्यू में एक बात की 2013 के इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा जब हम 2013 का इलेक्शन हार गए, उसके बाद मैं खान साहब से मीटिंग के लिए गया, मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह से वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आपने इन नौजवानों को वोट देकर आप समझते हैं कि आप अक्सरियत हासिल करेंगे, आप वोट हासिल कर लेंगे, आप हमारे मुखालफीन यानी नून लीग जो कि पंजाब में एक तगड़ी जमात थी उस वक्त, अभी भी बहुत बड़ा वोट है उनका यहाँ पर, इसी तरह पीपल्स पार्टी को सिंध में हराना मुश्किल काम होगा, आप ऐसा करें कि सियासी ख़ानदानों को अपनी पार्टी में शामिल कर लें। सियासी ख़ानदानों से मुराद क्या? सियासी ख़ानदानों से मुराद वो लोग जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान ने सियासत शुरू की थी। वो कहते थे कि ये लोग माफिया है, चंद ख़ानदान है, बाप से बेटा, बेटे से पोते को विरासत में जायदाद मिलती है, विरासत में सियासी जायदाद मिलती है, एक सीट मिलती है और इसके ऊपर वो लोग जीत जाते हैं। यानी जिन लोगों के ख़िलाफ़ इमरान खान ने अपने मिशन का आगाज़ किया था, उन लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लें, और इमरान खान को उनका मशवरा मानना पड़ा, उन्होंने उन तमाम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया, और शामिल करने के बाद वो इलेक्शन जीते। कुछ सीटें कम थी उस वक्त, जहांगीर तरीन का एक बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने अपने जहाज़ का और कुछ लोग कहते हैं कि पैसों का भी इस्तेमाल किया, और यकीनन किया ही होगा क्योंकि पैसों के बगैर कौन आता है कहीं पर। तो उन्होंने बहुत से आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल किया, और इसी तरह पंजाब, इसके अलावा वफाक यानी कि इस्लामाबाद में पीटीआई ने अपनी हुकूमत बना ली। यहाँ पर बुज़दार साहब वज़ीर आला बन गए, वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब इमरान खान बन गए। उन्होंने दूसरी बात उसमें ये की कि मुझे फंसाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान थे। आज़म खान की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट है, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और बहुत करीब समझे जाते हैं इमरान खान के। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन भी इमरान खान साहब के बहुत ही करीब है, उनकी दोस्ती की मिसालें देते हुए पीटीआई के कारकुनान थकते नहीं हैं। उन्होंने तीसरी बात बुज़दार साहब के हवाले से कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब किसने बनाया, तो जहांगीर तरीन ने उस इंटरव्यू में कहा कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला वज़ीर आज़म का अपना पर्सनल फ़ैसला था, उस फैसले में मैं शामिल नहीं था, लेकिन मुझसे जब उस्मान बुज़दार मदद मांगते थे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, किसी मामले में फंस जाते थे तो वो मुझसे मदद मांगते थे और मैं उनकी भरपूर मदद करता था। तीसरा उनसे सवाल किया गया कि अब भी क्या आपके खान साहब के साथ ताल्लुकात वैसे हैं, तो उन्होंने बता दिया कि जी नहीं, मेरे अब ताल्लुकात वैसे नहीं रहे, ताल्लुकात मेरे हैं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा लेकिन मेरे अब ताल्लुकात वैसे नहीं रहे। इन चार पॉइंट से ये क्लियर होता है कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक बहुत बड़ा क्लैश पैदा हो चुका है। ऑलरेडी दो ग्रुप मौजूद थे तहरीक इंसाफ में, एक जहांगीर तरीन का ग्रुप, दूसरा शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप, लेकिन अब ये एक अलग सिचुएशन बन चुकी है। शाह महमूद का ग्रुप जो है वो क्या जहांगीर तरीन को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो क्या शाह महमूद ग्रुप के आगे झुकेगा या नहीं झुकेगा। जहाँ पर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पीएमएलएन के कारकुनान और लीडर वगैरह वो भी फंस चुके हैं। वो कैसे फंसे?
اب اگر تحریک انصاف کے کارکنان، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ اگر مطالبہ کرتے کہ اس معاملے کے اوپر، اس چینی کی انکوائری رپورٹ کے اوپر جو ہے اکراس دا بورڈ احتساب ہوگا، احتساب ہونا چاہیے، اگر احتساب ہوتا ہے تو اس میں تو جہانگیر ترین کا نام بھی آتا ہے، اور جہانگیر ترین کون ہے؟ جس نے یہ حکومت بنا کے دی ہوئی ہے، انہوں نے خود بتایا کہ یہ اسمبلی جو بیٹھی ہوئی یہ میرے، میں نے بنا کر دی ہے ان کو۔ تو اگر جہانگیر ترین کا احتساب کا کسی بھی طریقے سے نام بھی لیا جاتا ہے تو جہانگیر ترین نے تو اپنے لوگوں کو کہنا کہ چلو چھوڑ دو حکومت، اس طرح تحریک عدم اعتماد کا جو ہے سیزن سٹارٹ ہو سکتا ہے اور عمران خان صاحب کو کرسی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ سچویشن ہے یہ، ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کی پالیٹکس ہے۔ دوسری طرف اگر پی ایم ایل این کے کارکنان اور ان کے لیڈر شہباز شریف اور ان کے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این کے جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں، ان کے ورکرز یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، احتساب ہوگا تو بھائی اس لسٹ میں تم لوگوں کا بھی نام ہے، یعنی کہ شہباز شریف کے جو شوگر ملز ہیں، شریف شوگر مل، رمضان شوگر ملز وغیرہ، ان کے نام بھی موجود ہے، چودھری شوگر ملز کا نام موجود ہے، تو وہ لوگ بھی تو پکڑے جائیں گے۔ دونوں طرف سے دونوں پارٹیاں اس وقت پھنس چکی ہیں، نہ اپوزیشن کھل کے سامنے آ رہی ہے، نہ حکومت کھل کے سامنے تنقید کر رہی ہے۔ کیا ہوگا یہ تو 25 اپریل کو پتہ چلے گا۔ پی ٹی آئی اس وقت خطرے میں ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت خطرے میں ہیں، پی ٹی آئی کا کارکن اس وقت جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا کارکن بھی کنفیوز ہے، پاکستان کنفیوز ہو چکا ہے، لیکن اس سب کنفیوژن کا سولوشن 25 اپریل کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، گھروں پر رہیں۔